जैसे आपने सही कहा, सरूद और वायलिन इस तरह के जो वाद्य हैं, इनमें फ्रेट्स भी नहीं है सितार में। तो एटलीस्ट शुरुआत हाँ में हमारे सितार पे पर्दे होते हैं, फ्रेट्स होते हैं। तो हर स्वर के लिए एक पर्दा होता है, और जो कोमल स्वर हैं जैसे, उनको हम पर्दे को शिफ्ट करके हम उन्हें कोमल बना सकते हैं। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि शुरुआत में बिल्कुल जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है उसमें थोड़ी सी आसानी कुछ हद तक होती है कि फ्रेट्स हैं हर नोट के लिए। तो जो शुरुआती जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रेट्स पर स्वरों को पहचान सकते हैं। लेकिन जो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जरूरी वो खुद ढूंढनी पड़ती होगी वो जगह कि कहाँ पर सा है, कहाँ पर रे है। लेकिन जैसे जैसे सितार में हम आगे बढ़ते हैं, सितार की जो तालीम आगे बढ़ती है, और जैसे जैसे एडवांस्ड ट्रेनिंग होती है, और तार के को खींच के और नीड के साथ स्वरों को जब हम लेने का प्रयास प्रारंभ करते हैं, तब असली दिक्कतें आना शुरू होती है। क्योंकि ना सिर्फ मतलब उंगली भी कटने का, और ये सारी जो चीजें तार के ऊपर जब हम उंगली अपनी रखते हैं तो कैलसेस पड़ते हैं, शुरू में काफी तकलीफ होती है उंगली में, ये सब होता है। लेकिन उसके अलावा स्वर को ढूंढने में, कि जब हम एक पर्दे पर जब तार को खींच रहे हैं और आगे के स्वरों को बजाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सही नीड लेना और सही स्वर पे स्वर की जगह को समझना, ये केवल और केवल करने से ही आता है। सबसे पहले तो स्वर की पहचान अपने अंदर होनी चाहिए। अगर हम स्वर को पहचानेंगे नहीं कि सा षड्ज क्या है, ऋषभ क्या है, तो हम वो बेसुरापन, तो जब सितार में तार खींचा जाएगा, नीड का काम होगा, तो जरूर ही वो बेसुरापन आने का पूरा चांस है। तो जब तक हम स्वर को पहचानेंगे नहीं, और उसके लिए जरूरी है कि अपने अंदर उस पर हमेशा रहें, स्वरों को हम अपने अंदर आत्मसात कर पाए, ये सबसे जरूरी है। तो ये करने से होता है, और यही प्रतिभा भी होती है, जो टैलेंट, हम जिसकी टैलेंट की बात करते हैं, तो जिसके अंदर ईश्वरीय देन होती है, प्रतिभा होती है, तो वो जल्दी स्वरों को पहचानना और समझना वो जल्दी हो पाता है और आसानी से हो पाता है। लेकिन वो चीजें कर पाना और वो टेक्निक और फिर उसमें एस्थेटिक्स डालना, वो सारी चीजें केवल समय के साथ और गुरु के सानिध्य में रहते हुए, सही चीजें सीखते हुए और सही रियाज करते हुए ही आ पाती है। मैंने बहुत साल पहले मिश्र समाज में मेरे गुरु जी पंडित उमा शंकर मिश्र जी से, और वो क्योंकि मधुबनी से थे, और जो मधुबनी की जो सितार और सुरबहार वगैरह की परंपरा है, ऐसे तो उसके ओरिजिन राजस्थान में है, लेकिन फिर वो लोग करीब 200 साल पहले पहले ईस्टर्न यूपी में आके बसे, और फिर बिहार में मधुबनी में। तो वो सारी इन्फ्लुएंसेस जो हैं ईस्टर्न यूपी की और बिहार की, जो फोक और सेमी क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस जो है उस परंपरा में भी दिखती हैं। और गुरु जी से मैंने एक मिश्र समाज में धुन सीखी थी, तो वो बहुत सुंदर उसमें काम करते थे, रागमाला भी उसमें दिखाते थे। तो हालांकि समय उतना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसमें जो मैंने धुन उनसे सीखी है वो मैं थोड़ा सा बजाती हूँ आपके लिए, मिश्र समाज। Thank you.
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो मेरा आना हुआ, और असल में मेरी जो यहाँ, जैसे जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तभी से मेरा बनारस में आना और यहाँ रहने का मुझे अवसर मिला, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग रही, क्योंकि बनारस कल्चरली और म्यूजिकली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है। भगवान काशी विश्वनाथ की ये नगरी है, और यहाँ संस्कृति और संगीत, जिसको भी संस्कृति और संगीत से जुड़ना है वो अगर काशी आ गया तो उसको तो जैसे एक बहुत ही बड़ी धरोहर मिल जाती है। ऐसे ही बिल्कुल इर्द गिर्द आसपास संस्कृति और संगीत में डूबा हुआ है काशी। तो मुझे लगता है कि बनारस में आई तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ जो सांगीतिक यात्रा है और जो मेरा ज्ञान है उसमें बहुत वृद्धि हुई बनारस आने से। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये एक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ पाई, और यहाँ पर मुझे सिखाने का जो अवसर मिल रहा है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती कि अगर हम कलाकार हैं या मंच पर हम अपनी प्रस्तुतियां देते हैं तो हमें विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ना चाहिए, और जो सिखाने का जो यहाँ सिलसिला है, और ये सभी जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं मेरे ख्याल से इस बात से अग्री करेंगे कि जब हम सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सीख रहे होते हैं। सिखाने की जो जो गिव एंड टेक होता है एक स्टूडेंट के साथ या एक शिष्य के साथ, डिसाइपल के साथ, वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम अपना ज्ञान जब किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान को भी काफी विकास कर पा रहे हैं। बहुत सी चीजें इन द कोर्स ऑफ टीचिंग हमको भी समझ में आती है, नई नई चीजें हमको भी समझ में आती है, तो इसलिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में कितना बढ़िया डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि हमारे देश का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ये यूनिवर्सिटी है, और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है म्यूजिक का, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर, और जो यहाँ की जो हिस्ट्री रही है इस डिपार्टमेंट की, बहुत बड़े बड़े कलाकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी और पंडित लाल मणि मिश्रा जी, डॉक्टर एन राजम, ऐसे बड़े बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं, उनके विदुषी कमला शंकर जी, इन सबका नाम जुड़ा हुआ है इस विश्वविद्यालय से और इस डिपार्टमेंट से। तो और ये सब उच्च कोटि के कलाकार भी रहे हैं और मंचीय प्रस्तुतियां इन्होंने जीवन भर दी है, तो इसलिए वो बैलेंस बना पाना तो ये अपने ऊपर है कि हम कितने अच्छे से सारे अपने डिफरेंट रोल्स को कितने अच्छे से निभा पाते हैं। लेकिन एक चीज दूसरी चीज के कॉस्ट पे हम करें ऐसा जरूरी नहीं है, सारी चीजें साथ लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसा मेरा मानना। आपने तो एक किताब भी लिखी है जो आपका मेरे ख्याल से थीसिस था, वही किताब है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। जी, तो जब मैं पीएचडी कर रही थी तो जो चेंजिंग सिनेरियो है संगीत में, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में बहुत हमारा संगीत बदला है और उसके बहुत से कारण रहे हैं, और मेरा बहुत ये इंटरेस्ट मेरा हमेशा से था इस ओर। सितार बजा रही हूँ तो मेरा जो फोकस था वो ऑफकोर्स सितार पर ही था, लेकिन मैंने कोशिश ये की है अपनी रिसर्च में कि मैं मंचीय प्रस्तुतियों पर और संगीत का जो पूरा रेपर्टुआर है जो पिछले 50 वर्षों में जो जो इसमें बदलाव आए हैं, इसका क्या स्वरूप था पहले और क्या क्या इसमें ओवर द इयर्स एंड फॉर दीज लास्ट फ्यू डेकेड्स इसमें किस तरह से परिवर्तन आए हैं, क्योंकि संगीत जो है वो हमेशा इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, और वो परिस्थितियों के साथ, सामाजिक परिस्थितियों के साथ भी बदलता आ रहा है, और अगर नहीं बदलेगा, अगर वो डायनामिज्म इसमें नहीं रहेगा तो ये संगीत फिर खत्म हो जाएगा, तो यही इसकी विशिष्टता है। और इसलिए मेरा ये फोकस था कि मैं ये सारे जो बदलाव आए हैं और इसका जो आज का स्वरूप है और इसमें आगे भी क्या संभावनाएं हैं, और उसमें मैंने एक बहुत ही मेरा जो स्कोप था इस रिसर्च का वो ये था कि मैं इसमें हर एक पहलू पर कहीं ना कहीं उसको उस पर कुछ ना कुछ जानकारी लूँ और उसको सब तक पहुंचाऊं, सब लोगों तक अपने रिसर्च के माध्यम से, जो कि बाद में मैंने बुक फॉर्म में पब्लिश किया। मैंने कोशिश यही की है कि
और चाहे वाद्य हो, चाहे रेपर्टुआर हो, बंदिशे हो, हर तरह के जो चेंजेस आए हैं और कैसे कैसे ये एनरिच होता गया, जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस भी आई हैं, सारी चीजों पर मैंने कोशिश किया कि मैं चर्चा करूं अपनी। भैरवी की धुन पर हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि ज्यादातर किसी भी कॉन्सर्ट को खत्म करना हो तो भैरवी से ही खत्म किया जाता है। तो एक भैरवी की धुन है जो मैंने सीखी है अपने गुरु जी से, पंडित सतीश चंद्र जी से, और ये धुन बहुत ही सुंदर बजाई है उस्ताद अली अकबर खान साहब ने मुझे। तो ये मेहर की एक खास धुन है भैरवी में, तो मैं को बजाती हूँ छोटे से अलाप के साथ ये भैरवी की धुन, और आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी।